किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम खास जानकारियां देते हैं और कुछ ऐसे ही जानकारियां अपने आज के कार्यक्रम में भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब किसान आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, जब किसान उन्नति करेंगे तो देश भी उन्नति करेगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में पूसा में 14वें कृषि विज्ञान अधिवेशन का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। पूसा के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी यानी नास में 4 दिवसीय 14वां कृषि विज्ञान अधिवेशन जारी है। ये कृषि विज्ञान अधिवेशन बुधवार को शुरू हुआ था जो शनिवार तक चलेगा। इस अधिवेशन का मुख्य विषय कृषि में क्रांति के लिए नवाचार है। इस विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी यानी नास ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इस सम्मेलन में कृषि संकट को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की जा रही है। ये सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित होता है। सम्मेलन में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर पंजाब सिंह, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने अपने विचार रखे। इनके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए वैज्ञानिक भी इस सम्मेलन में शामिल है। कृषि क्रांति के लिए नवाचार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर 14वें कृषि विज्ञान सम्मेलन को उद्घाटन सत्र एवं इस भव्य सभागार जो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर के अंदर निर्मित हुआ है उसके भी उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन इसलिए कि इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने पर मुझे कृषि शोध के कुंभ में होने की अनुभूति हो रही है। कृषि शोध के कुंभ में उपस्थित होने की अनुभूति हो रही है और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि महासंगम या कुंभ भारत की सबसे समृद्ध संस्कृति की जो परंपराएं हैं उसमें से एक है और इसीलिए मैं इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं 14वें कृषि विज्ञान सम्मेलन को एक विविध रंगी वैश्विक संगम या कुंभ मानता हूं। यह शोधकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, रचनात्मक और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संरक्षकों का एक संगम है ऐसा दर्शाता है आज का यह समारोह। और मुझे ये जानकारी हुई है कि सम्मेलन के लिए 40 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं इसलिए कि हम एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा में विश्वास करते हैं और इस सम्मेलन के दौरान विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अनुसंधान के ज्ञान के परिणामों का मंथन कृषकों तथा मानवता के कल्याण के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के रूप में एक थिंक टैंक मौजूद है जो भारत में कृषि विज्ञान के विकास हेतु रणनीतिक समर्थन प्रदान करता है। यह कृषि वैज्ञानिकों को कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा विभिन्न स्तरों पर योजनाकारों एवं राय निर्माताओं को नीतिगत निवेश के रूप में वैज्ञानिक समुदाय के विचार को प्रदत्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी और लाखों ग्रामीण जो जिनके पास भूमि है या भूमिहीन है उनके लिए आज जीविका का साधन है।
यह भारत के कुल जो कार्यबल है उसमें आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17 से 18% का योगदान देता है। ये जो 14वां कृषि विज्ञान सम्मेलन है इसमें कृषि क्रांति के लिए नवाचार, ये जो विषय है इनके चर्चा के मुख्य बिंदु हैं और 3 दिनों तक इसके अंदर 14 विषय हैं, अलग अलग चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे। और मैं देश के कृषि वैज्ञानिकों को जरूर बधाई दूंगा कि जब हम सत्ता में आए थे लगातार 2 वर्षों तक जो चुनौती प्रकृति की आई थी हम सब निराश थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कंटीजेंसी प्लान बनाया, सभी राज्यों को जिला स्तर तक मुहैया कराया और पिछले 4.5 वर्षों में 1014 किस्में विकसित की सूखारोधी, बाढ़रोधी, जलवायु परिवर्तन के सामना करने के लिए। और फिर भी जो जितनी नई चुनौतियां हमारे सामने बीच में आई इनके कारण हमने सिर्फ चुनौतियों का सामना किया बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त किया। 17-18 में आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और फल हॉर्टिकल्चर का उत्पादन पहली बार आज़ादी के बाद अनाज के उत्पादन से ज़्यादा कीमत का हुआ। तो इनके कारण हमने चुनौतियों का सामना किया है, विजय प्राप्त किया है और पहले जो उत्पादन केंद्रित हमारी योजनाएं थी इसी 4 वर्ष के अंदर आय केंद्रित योजना और इस प्रकार के कई नवाचार हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो शुरू किए हैं उसका भी लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। और 3 दिनों तक बैठकर आगे भी कृषि क्रांति के लिए क्या क्या आवश्यक है इस दिशा में विचार करेंगे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, ये बहुत पुरानी कल्पना थी, हम जब सरकार में आए तो सुना कि इस प्रकार की एक सोच और कभी इसका शिलान्यास वर्षों बरस पहले, तो 1.5-2 साल तक तो फिर इसके लिए संसाधन जुटाना और जो व्यवस्था थी वो मर चुकी थी। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने अधिकारियों को, इंजीनियर को और आर्किटेक्ट को भी कि 2 साल के अंदर कड़ी मेहनत करके ये नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर का जो सभागार निर्माण हुआ है ये दिल्ली के अंदर 2रा विज्ञान भवन है। और इससे भी जो कृषि के क्षेत्र में हमारे शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ देशवासियों को मिलेगा। और निश्चित रूप से इसके लिए भी मैं अपने अधिकारियों को बहुत बहुत और वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। तो अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।
किसान भाइयों बहनों, रिमोट सेंसिंग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूसा के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। रिमोट सेंसिंग के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूसा में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। रिमोट सेंसिंग का कृषि में प्रयोग, जलवायु परिवर्तन से होने वाले मौसम में परिवर्तन इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा, मिट्टी जांच जैसी योजनाएं लागू की है, जिसमें बखूबी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग के बारे में अपनी बात साझा करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने बताया। मेरे साथ है प्रोफेसर एएस किरण कुमार जी हैं, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। सर, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है सर, इसका भारतीय कृषि में क्या यूज है? ये एक्चुअली अभी 50 साल कंप्लीट हो रहा है। हिंदुस्तान में बिल्कुल पहली बार प्रोफेसर पिशारटी ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एयरक्राफ्ट में, हेजल ब्लड कैमरा लेके फॉल्स इंफ्रारेड कलर कैमरा बना के कोकोनट रूट विल्ट डिसीज़, उसमें कोकोनट प्लांटेशन में कोई डिसीज़ जब आता है वो कितना एरिया तक स्प्रेड हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके हिंदुस्तान में रिमोट सेंसिंग का, स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग के लिए नींव रखे थे। तो उस समय से अभी तक हमने बहुत सारे उपग्रह बनाए हैं, दूर संवेदी उपग्रह जो बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अभी हमारे पास करीब करीब 15 या 16 उपग्रह है, जिसके ज़रिए हम हिंदुस्तान के क्रॉप्स के, एटमॉस्फेरिक इवेंट्स के अलग अलग तरंगों में देख के बहुत सारे काम चलता है। यहाँ पे अभी MNCFC जो है, मालानोबिस क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर, उसमें करीब करीब 11 क्रॉप के कितना यील्ड है साल में हार्वेस्टिंग के पहले, ये सरकार को बताया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर फील्ड में अपने उपग्रहों के ज़रिए, बाह्य आकाश के उपग्रहों के ज़रिए काम चल रहा है। जी सर, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है सर, उसके देखते हुए क्या और सुधार करने की आवश्यकता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से? नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से खाली आपको माहिती मिलता है जो हो रहा है, वो माहिती लेके उसके ऊपर कौन से काम करना, वो काम करने का तो धरती के ऊपर काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को काम करना चाहिए। ये बाह्याकाश का उपग्रहों के ज़रिए हमको सिर्फ माहिती मिल सकता है। जैसे हमने कहा, अभी हमारे पास करीब करीब 49 सैटेलाइट्स है, जिससे हम हर 15 मिनट में पूर्ण हिंदुस्तान और उसके आसपास के जगह के एटमॉस्फेरिक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये करीब करीब 4 दशक से चल रहा है। इसी तरफ अलग अलग तरंगों पे हम रिमोट सेंसिंग डेटा लेके कलेक्ट करके देते हैं पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए, ये सब। मगर ये सब माहिती इस्तेमाल करके कौन से एक्शन प्लान बनाना है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट का काम रहता है। रिमोट सेंसिंग का सर फ्यूचर में क्या यूज है सर? ये तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी जैसे एक यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो फिशरमैन को कहाँ जाने से फिशिंग कर सकता है, उसी तरफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर में भी कैसे काम कर सकते हैं, और कौन से कितने एरिया अभी कल्टीवेशन पे है, रेन फेड एग्रीकल्चर है या इरिगेटेड है, ये सभी मॉनिटरिंग के लिए दूर संवेदी उपग्रह का इस्तेमाल हो सकता है। मौसम परिवर्तन से होने वाली हानि के बारे में आकलन करने हेतु रिमोट सेंसिंग का किस तरह से लाभ लिया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी साझा कर रहे हैं IMD के वैज्ञानिक आनंद शर्मा। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी है सर, आज जिस तरह से इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं देखिए, बिल्कुल कहते हैं आज, मतलब 50 साल भी हो रहे हैं इनके सोसाइटी के, और 50 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट इनिशिएट किया गया था डॉक्टर पिशौरती द्वारा, कैसे रिमोट सेंसिंग का डेटा जो है कोकोनट जो है उसकी डिजीज़ वगैरह में
प्रडिक्शन में किस तरह से मदद कर सकता है, डिटेक्शन में कैसे मदद कर सकता है। और आज 50 सालों में सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, आज की देर में हम जैसे कहते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ अर्ली वार्निंग दे सकते हैं किसानों के लिए कि कोई स्ट्रेस है पौधे में। स्ट्रेस का मतलब है या तो पानी की कमी है, या कोई बीमारी है, या कोई न्यूट्रिएंट स्ट्रेस है, वो जो है आपकी पत्ती में रिफ्लेक्ट करेगी, आपका क्लोरोफिल कम हो जाएगा। तो आप वेजिटेशन कंडीशन इंडेक्स लगा सकते हैं, NDVI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज तमाम ऐसे इंडाइसिस हैं हमारे पास जो हमें बताते हैं कि कैसे हम डिजीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ रेजोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो आपका अब रेजोल्यूशन दिन पर दिन, मतलब कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सेंसर्स हैं हमारे पास, हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर्स हैं, माइक्रोवेव सेंसर्स हैं, तो सबकी मदद से जो है अब जो है हम लोग बेहतर क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आप कई जगह इशू आता है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स का आता है, तो आप उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग भी कर सकते हैं। और जो फसल प्रोग्राम है, चमन प्रोग्राम है, ये सारा जो है नेशनल सेंटर फॉर जो आपका फसल का जो फोरकास्टिंग सेंटर है, मेलानोबिस सेंटर, उस वो जो है इसको एक्चुअल रूप दे रहे हैं। अभी तक तो कहा कि थ्योरी मतलब ज़्यादा तो लोग बातें करते थे, अब तो ये इतना एडवांस कर चुका है। पर हाँ, अभी और आगे काफ़ी कुछ करने का है, क्योंकि डेटा इतना सारा जनरेट हो रहा है और वो बिग डेटा है, तो उसके लिए डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, तो वो सब में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी और टूल्स जो हैं डेफिनेटली मददगार सिद्ध होंगे फार्मर्स के लिए, कि उसकी डिजीज़ प्रिडिक्शन में, उसके वेदर बेस्ड एडवाइजरीज को भी हम उसके साथ मिला सकते हैं, और वो भी जानकारी जो मौसम विभाग दे ही रहा है, तो हम लोग भी सैटेलाइट की जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसका भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और किसानों तक उस जानकारी को पहुंचा रहे हैं, जिससे कि भाई उनके जो मौसम से होने वाले नुकसान हैं वो मतलब कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकें अच्छे मौसम का, और उनका प्रोडक्शन डबल हो सके। सर, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, इसका रिमोट सेंसिंग के किस तरह से यूज और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज की जहाँ तक सवाल है, क्लाइमेट चेंज में तो ये होता है कि देखिए, एक तो ये है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या आएगा, और मॉनिटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई जगह ऐसी होती हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि ग्लेशियर्स में मेल्टिंग हो रही है, या फिर कोई फॉरेस्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं लार्ज स्केल के ऊपर, वेजिटेशन में कोई लैंड यूज़ लैंड कवर में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब जो है आप रिमोट सेंसिंग से आज की स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, ये जरूरी है कि उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करनी होगी, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल फुल प्रूफ बनाना होगा, सो दैट फिर हम लोगों को वहीं से ही सब कुछ, और काफ़ी हद तक इसमें प्रोग्रेस अच्छी हो गई है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो ये पूरा जो चेंज डिटेक्शन है, जो लैंड यूज लैंड कवर चेंज आता है, वो उसको दोनों को ही इसको मिलाकर, और कितनी जगह पे आप देखते हैं कि आपको कितने ग्लेशियर का एरिया कितना है, तो वो वहीं से मालूम पड़ेगा। पर हाँ, उसको ग्राउंड ट्रूथिंग की ज़रूरत है। ऐसे ही फॉरेस्ट का एरिया के चेंजेस आ रहे हैं, उसको कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि इम्पैक्ट की बात हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज होगा तो इम्पैक्ट उस पर होगा, तो वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इस तरह के जितने भी बदलाव आ रहे हैं, डेल्टाज हैं, डेल्टाज में चेंजेस क्या आ रहे हैं, रिवर कोर्सेज में यदि कोई चेंजेस हैं, कोई आइलैंड्स अप डाउन हो रहे हैं, उनको डिटेक्शन, तो बहुत सारी आज की अपॉर्चुनिटी इतनी सारी हैं, और सैटेलाइट के सेंसर्स भी इतने एडवांस हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि स्कोप बहुत बेहतरीन है आगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका किस तरह से अपनी योजनाओं के लिए लाभ ले रहा है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर YR मीणा। मेरे साथ है डॉक्टर YR मीणा जी हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त हैं। सर, आज जो इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है, सर इसका क्या उद्देश्य है? ये जो इंटरनेशनल सेमिनार किया गया है, 3 दिन का कार्यक्रम है, पूसा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, यहाँ पर तो खासकर विगत 50 वर्षों में रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, और ख़ासकर रिमोट सेंसिंग का कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल के ऊपर कितनी प्रगति हुई है, किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, और बहुत आगे तक कैसे इसको ले जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो रिमोट सेंसिंग है टेक्नोलॉजी, इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, वो फसलों की किस तरीके की स्थिति है उसके आकलन में, वेदर फोरकास्ट, वेदर अलर्ट, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें पहले से पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, और इसके अलावा आंकड़े जो भी कृषि के लेने होते हैं, फसलों की स्थिति है, सूखे का कितना प्रभाव है, कहाँ कहाँ पर फ्लड की स्थिति बनी हुई है, तो ये सारा मतलब वेदर फोरकास्ट से संबंधित सूचना भी इससे मिलती हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिक हैं या एक्सपर्ट हैं, वो इसकी इमेजेस को एनालाइज करके और फिर ये बताते हैं किस तरीके की स्थिति होने वाली है। तो निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में अभी बहुत तरक्की की है रिमोट सेंसिंग ने,
और आने वाले समय में और भी, जैसे हमारे सैटेलाइट छोड़ते हैं, अभी आजकल तो डेडिकेटेड सिस्टम भी है एग्रीकल्चर के लिए, और हमारा महाबालों ने जो फसल फॉरकास्ट सेंटर है वो पूसा में स्थित है, उसका फुल टाइम यही काम है, इनका आकलन करना, डाटा को एनालाइज करके और स्थिति को बताना किस तरीके की सिचुएशन होने वाली है। तो उसी पर जोर दिया गया आगे और कैसे तरक्की की जा सकती है, कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से विचार विमर्श करके, इंटरेक्शन करके, और किस तरीके से ये जो सूचनाएं हैं इनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए कृषि में किस तरीके से मददगार हो सकता है, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और इसमें काफ़ी सारे जो हमारे संस्थान हैं, एक छोटी प्रदर्शनी भी यहाँ पर आयोजित की गई है जिसमें रिमोट सेंसिंग के स्टेट सेंटर्स हैं, स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी एग्जीबिशन लगाई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने भी यहाँ पर वो लगाई है, और प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ ऐसे हैं जो मौसम का इसका आंकलन करते हैं, उन सब ने यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम यह है आयोजित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे कृषि और कृषि जगत को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और हमारे किसान भाइयों को समय रहते हुए जो सूचनाएं मिलेंगी महत्वपूर्ण मौसम के बारे में और किस तरीके का वेदर रहने वाला है, तो उससे उनको फ़ायदा रहेगा। सर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है फसल बीमा योजना, उसके लिए कितना मददगार साबित होगा? फसल बीमा योजना में भी ये महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कहा, आकलन करने के लिए फसलों का। अब जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो सूखे से कितना नुकसान हुआ है, कहीं बाढ़ प्रभावित है, उससे उसका आकलन आसानी से ये जो माध्यम से किया जाता है, और बहुत जल्दी उनका जो निपटारा है, जो उनके क्लेम्स हैं फसल बीमा के, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सकता है। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है, स्मार्टफोन से भी एनालाइज करके और पिक्चर्स लेके अगर आप अपलोड करते हैं तो उस पर बहुत जल्दी से कार्रवाई होती है, और किसानों को जो बीमा का जो भुगतान है, जो उनका नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, वो जल्दी से जल्दी निपटान उसका किया जा सकता है। तो अभी आपने देखी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें, और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम मकदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हमने आपको हर बार बताया है कि हाल ही के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई। क्या है ये योजना और इससे किस तरह से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2,000 की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो अभी आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की, और हम उम्मीद करेंगे कि आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।